दोस्तों फेस स्मूथ करना तो आप लोगों को सभी लोग सिखाते होंगे यार, बट मैं आप लोगों को आज जो सिखाने वाला हूं दोस्तों, आप लोगों को शायद ही पूरे यूट्यूब पे कोई सिखाया होगा दोस्तों। ओनली एक क्लिक में आप लोगों का जो फेस है कुछ इस टाइप से एडिटिंग हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो पूरा रियलिस्टिक टाइप से जिस तरह से हम लोगों ने टेक्सचर ऐड किया है, आप लोग भी कुछ इस टाइप से टेक्सचर ऐड कर सकते हो। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होता होगा दोस्तों आप लोग यहाँ लगभग 30 से 40 सेकंड वीडियो को देख लो, अगर वीडियो पसंद नहीं आता आप लोग स्किप करके चले जाना। ऐप को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों हम लोगों को स्टार्ट का यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो आप लोग भी अपना मॉडल को एडिटिंग करना चाहते हो, जिसका भी फेस को स्मूथ करना चाहते हो, उस वाले मॉडल को आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। फाइनली दोस्तों यहाँ देख सकते हो हमारा जो मॉडल है उसको ऐड कर लेने के बाद हम लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक ऑप्शन हो जाएगा ऑटो मैजिक का, इस पर क्लिक कर लेना है। फाइनली उसके बाद आप लोगों को सिर्फ 2-3 स्टेप में आप लोगों का फेस स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप लोगों को फर्स्ट वाला को यहाँ क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हो फाइनली आप लोगों का जो फेस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्मूथ हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, फाइनली कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को इसको कर लेना है राइट पे क्लिक। इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब हम लोग को जाना है अपना एक और ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हो बटरफ्लाई का, इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद देने यहाँ आप लोगों का जो ओपेसिटी है इसको आप लोगों को फुल कर लेना है दोस्तों, आप लोगों का फेस है वो स्मूथ हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो काफ़ी हार्ड तरीका से दोस्तों, आप लोग पहले ऐप का यूज़ करके देखना देन ओके दोस्तों। अगर प्ले स्टोर से ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को वहाँ पेड करना पड़ेगा। मेरा वाला आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लो, वहाँ आप लोगों को सबको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ हिसाब से फुल कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो हमारे यहाँ नीचे के साइड है ना दोस्तों, वो यहाँ से बच जाता है। तो इसको हम लोग को स्मूथ कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा यार। और हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, जो वीडियो बनाता है उसी को पता होगा, ठीक है। तो फाइनली इसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर पर जाके इसको कर लेंगे राइट दोस्तों। राइट कर लेने के बाद यहाँ हम लोग थोड़ा सा स्वाइप कर लेंगे, ठीक है। स्वाइप कर लेने के बाद दोस्तों हम लोगों को एक और ऑप्शन हो जाएगा स्मूथ का, इस पर हम लोगों को फिर से क्लिक कर लेना है। साइज को कुछ इस टाइप से फुल कर लेना है आफ्टर ऑल। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को कुछ इस टाइप से जो बच गया है उसको कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है। देख सकते हो कितना हर तरीके से आप लोगों का जो मॉडल का फेस हो स्मूथ हो गया दोस्तों, एकदम ही आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर अभी भी आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा कि वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बोल के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तभी देखो दोस्तों, वैसे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। आप लोग नहीं देखोगे तो आप ही लोगों का घाटा है, मेरा घाटा नहीं है दोस्तों, आप ही लोग नहीं सीख पाओगे। यहाँ देख सकते हो मैं आप लोगों को हर एक स्टेप आसान तरीके से समझा रहा हूँ और मार्क लगा के भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। फाइनली स्मूथ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हो हमारे ऊपर पर राइट का आइकन है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो स्मूथ तो हम लोगों का फेस हो गया दोस्तों। अब जब हमारा यहाँ टेक्सचर है उसको कैसे ऐड करना है, इसके लिए दोस्तों हम लोग फिर से जाएंगे फाइनली अपने यहाँ बटरफ्लाई पे, ठीक है। बटरफ्लाई पे जाने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ देख सकते हो स्मूथ के साइड में आप लोगों को ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप लोगों को यहाँ बढ़ा लेना है। यहाँ आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ अंतर क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो इसको आप लोगों को फुल कर लेना है। यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, इसको आप लोगों को फेस है ना दोस्तों, इसको फाइनल टचिंग देता है। यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ गौर करना, यहाँ आप लोग क्वालिटी को भी चाहो तो थोड़ा सा इंक्रीज करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ आप लोगों का ये वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसको आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसको आप लोगों को अपने हिसाब से बढ़ा लेना है, ये और भी ज़्यादा यहाँ फिनिशिंग देगा। तो यहाँ आप लोग ज़्यादा मत करना, ख़राब लगेगा। इसको आप लोगों को लगभग 10% के आसपास रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को टेक्सचर पर क्लिक कर लेना है, टेक्सचर ऐड कर लेना है अपने हिसाब से दोस्तों। तो फाइनली हम लोग यहाँ टेक्सचर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, इसको आप लोगों को अपने फेस के अकॉर्डिंग करना है। तो इसको हम लोग लगभग यहाँ अपना 68 से 70% के बीच में रखेंगे फाइनली, यहाँ देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा मॉडल का फेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से टेक्सचर ऐड हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ स्किन पे जाना है, स्किन पे जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ इसको आप लोगों को यहाँ बढ़ा लेना है, फाइनली आप लोगों का जो फेस है यहाँ गोरा हो जाएगा फाइनली दोस्तों। यहाँ देख सकते हो कितनी ही आसान तरीके से जो हम लोगों का फेस है वो स्मूथ हो चुका है दोस्तों। तो मेरा आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाकर इस ऐप का यूज़ करके देखना, उसके बाद आप लोगों को भाई को बोलना, तभी आप लोगों का भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमारा फेस तो स्मूथ हो चुका है, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से ऊपर पे जाके इसको कर लेना है राइट। राइट कर लेने के बाद दोस्तों फाइनली अब कुछ भी नहीं करना है, इस फोटो को हम लोगों को यहाँ से अपना डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ से हम लोगों को फोटो को कर लेना है सेव। तो फाइनली दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है उसको हम लोगों ने अपना लाइटरूम में ऐड कर लिया है यार। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग इस तरह से फेस को स्मूथ कर लोगे ना, तो उसके बाद करना क्या है आप लोगों को, जस्ट आप लोगों का भाई एक प्रीसेट देगा, उस प्रीसेट को आप लोगों को यूज़ कर लेना है दोस्तों। ये वाला प्रीसेट है देख सकते हो, उसके बाद आप लोगों का जो फेस है काफ़ी हार्ड तरीके से यहाँ एडिटिंग हो जाएगा, एकदम पूरा जो रियलिस्टिक टाइप से रहता है वो फेस आप लोगों का उस टाइप से, ठीक है।
तो प्रीसेट का आप लोगों को कुछ स्टेप से ओपन कर लेना है, वैसे भी प्रीसेट यूज़ करना आता ही होगा दोस्तों। तो फाइनली हम लोग को जाना है अपना 3 डॉट पे, और दोस्तों यहाँ से हम लोग को अपना कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे राइट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मॉडल है उसको कुछ स्टेप से ले आएंगे, उसके बाद जाएंगे फिर से 3 डॉट पे दोस्तों। अब फाइनली यहाँ पेस्टर सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। जस्ट एक क्लिक में हम लोग का फोटो का यहाँ कलर रिटचिंग हो जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फेस है काफ़ी हार्ड तरीके से एडिटिंग हो चुका है, और यहाँ पूरा एकदम रियलिस्टिक टाइप से हम लोग का जो फेस है वो लग रहा है दोस्तों, जैसे कि हम लोग का नेचुरल फेस है उस टाइप से यहाँ देख सकते हो दोस्तों, बिफोर इन आफ्टर। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना यार। तो मिलते हैं ऐसे एक कमाल के एक नए वीडियो में।